नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज के जमाने में कब न जाने क्या अप्रिय घटना घट जाए, कब कौन किसका मर्डर कर दे, नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही एक मामला अभी हाल ही में वसई मणिपुर पुलिस स्टेशन की हद में सामने आया, जहां छोटे से विवाद को लेकर एक शख्स ने दूसरे की हत्या कर ली और फरार होने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने 12 घंटों के अंदर उस आरोपी को पकड़ लिया और मामले का खुलासा हो गया। दरअसल वसई की कासा टेरेजा नाम की बिल्डिंग में काम कर रहे मोहम्मद मोइन आलम, उनके ही सहयोगी मोहम्मद अरबाज आलम ने पैसे के विवाद को लेकर, मोइन आलम ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट का काम दिया था, मोइन आलम जो कि कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्टर या वो ऐसा कुछ उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया रहेगा, और अरबाज आलम उसके साथ काम कर रहा था, तो मजदूरी का पैसे को लेकर कुछ विवाद हुआ। तब अरबाज आलम ने अपने ही मालिक मोहम्मद मोइन के ऊपर वहां पड़ी लकड़ी की फलियों से धड़ाधड़ वार किए और उसको मौत की नींद सुला दिया। जब मोहम्मद अरबाज आलम को यह एहसास हुआ, भनक हुई कि मोइन की मौत हो चुकी है, तो वो लाश को वहीं पर पटक कर भागने की फिराक में था। यह आरोपी मोहम्मद अरबाज आलम जो है बिहार के कटिहार जिले का है और मृतक भी वहीं का है, और ये अपने गृह राज्य भागने की फिराक में था। लेकिन तभी एक ब्लाइंड केस था, पुलिस ने 12 घंटों के अंदर इस आरोपी को पकड़ लिया और मुंबई से भागने के पहले ही ये आरोपी की पुलिस की गिरफ्त में चला गया। मणिपुर पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन टीम ने इस मामले पर काफी फुर्ती दिखाते हुए आरोपी को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया, जिससे यह मामला पूरा उजागर हुआ। सुनिए इस मामले पर वसई एसीपी पद्मजा चौहान का क्या कुछ कहना है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हद्दी में 3 जून 2023 रात को 8 बजे कासा टेरेसा बिल्डिंग का एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे दो मोहम्मद मोइन और मोहम्मद अरबाज आलम करके दो मजदूर उधर पतरे के शेड में रहते थे। दोनों में मुबदला यानी जो उनका मुबदला है यानी मजूरी है वो न मिलने के कारण अरबाज आलम और मोहम्मद मोइन दोनों में झगड़ा हो गया, और अरबाज आलम ने उसके जो लकड़ी की फली रहती है उससे उसके चेहरे पे और दिमाग इस पे सर पर मार कर उसकी हत्या कर दी। तो उसके जो भाई है मोहम्मद मोइन का, आवेश फारूक, उन्होंने आके मणिपुर पुलिस स्टेशन में FIR दी है, CR नंबर 210/2023। इसमें अरबाज आलम है और मोहम्मद मोइन दोनों भी बिहार के रहने वाले हैं। अरबाज आलम जो यहाँ का आरोपी है, उसका यहाँ पे कोई रिलेटिव्स या कोई उसका दोस्त यहाँ पे नहीं था, तो पुलिस के सामने बहुत बड़ा ये था कि इसको कैसे पकड़ा जाए, और उसका मोबाइल भी एक दिन पहले ही यहाँ गुम हो गया था ऐसे हमें पता चला। तो जो हमने CDR का भी एनालिसिस किया वो भी मिसलीड करने वाला था, तो अंधेरी का लोकेशन और फिर बाद में बंद आया, तो अंधेरी भी एक टीम भेजी दी गई और स्थानिक वसई पुलिस स्टेशन, और एक वो बिहार का था तो LTT मार्ग रेलवे स्टेशन जो कुर्ला में है वहाँ से वो बिहार जाएगा, इस लीड पे हमने एक टीम उधर भेज दी और वो सुबह 11:30-12 बजे उधर पकड़ा गया। अभी हमने इंट्रोगेशन करते इस वक्त ऐसे पता चला है कि वो अपने फैमिली से कोई बात नहीं करता था, पूरा ये अकेला ही इधर आके रहता था। 8 महीने का उसका पगार में से सिर्फ उसको 16,000 मिले हैं, जो जिसका महीने का पगार था 8,000, तो 2 ही महीने का उसको पगार मिला था। इसकी वजह से थोड़ा और उसको पीने की आदत थी, इसकी वजह से वो गुस्सा होकर उसने मोइन के सर पर और चेहरे पर वार किए हैं। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर